very good morning all the students. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. Students, stay healthy and stay safe. सेफ रहने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी सेफ करेंगे. इट मीन्स कि पुरानी क्लासेस को आप रिवाइज करेंगे, चैप्टर की रीडिंग करेंगे, देन उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट बताया था, या एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट बताया था, दैट इज माउथ एंड बकल कैविटी. ठीक है, माउथ एंड बकल कैविटी में क्या चीज़ होती है? टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें मैंने आपको टंग एंड टीथ का डिस्क्रिप्शन दे दिया था, डिस्क्राइब कर दिया था, और उनके फंक्शंस भी बता दिए थे. देन आज हम कंटिन्यू करेंगे सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि फर्स्ट पार्ट का ही सब पार्ट है. देन हम कंटिन्यू करेंगे फूड पाइप और इसोफेगस, देन इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट में जो हमारा बचा हुआ था सलाइवरी ग्लैंड, उसे कंटिन्यू कर लेते हैं. आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? आपके थ्रॉट रीजन में अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है. कहाँ पे? थ्रॉट रीजन में अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है. इस तरह का एक ग्लैंड होता है जो क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है. ठीक है, क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है. और ये सलाइवा क्या करता है? ये सलाइवा आपके फूड को जो है मॉइस्ट बनाता है और उसे वेट बनाता है, उसमें वाटर कंटेंट की मिक्सिंग करता है. ठीक है, और ये सलाइवा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है. कार्बोहाइड्रेट में मेनली ग्लूकोज के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है. नेक्स्ट ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? फूड पाइप. ठीक है, ये है फूड पाइप. देखिए, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो है वो फूड पाइप है. फूड पाइप का फंक्शन इतना ही होता है कि ये फूड के स्वेलोइंग में, फूड को निगलने में हेल्प करता है. फूड को स्टमक, माउथ से स्टमक तक पहुंचने के लिए वे प्रोवाइड करता है. ये एक सिंपल सिलिंड्रिकल पाइप होता है. ठीक है, जिसे हम लोग इसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, और ये फूड को वे प्रोवाइड करता है. इट मीन्स कि फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने के लिए वे प्रोवाइड करता है. ठीक है, रास्ता प्रोवाइड करता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टमक पे. ठीक है, स्टमक नेक्स्ट हम क्या रीड करेंगे? स्टमक. ठीक है, कम ऑन पेज नंबर 26. स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 26 इन योर साइंस बुक. देन रीड द हेडल स्टमक. आपको पता है आर स्टमक इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द मसल्स. ठीक है, आपका स्टमक जो है वो क्या होता है? स्लाइटली जे शेप का स्ट्रक्चर. ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर जे शेप का ही बन रहा है ना. देखिए यहाँ पे, ये स्लाइटली जे ही तो बन रहा है. ठीक है, ये स्लाइटली जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल्स का बना हुआ होता है. ठीक है, और आपको पता है कि स्टमक में क्या? HCL. ठीक है, HCL, ये देख लीजिए, HCL, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है. ठीक है, ये क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस है. ठीक है, डाइजेस्टिव जूस है, क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करता है और स्टमक से रिलीज होता है, इसलिए हम इसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं. ठीक है, तो स्टमक में क्या होता है? HCL सिक्रीट होता है, और स्टमक में क्या होता है? म्यूकस की लाइनिंग होती है. म्यूकस एक चिपचिपा मटेरियल होता है. ठीक है, स्टमक के चारों तरफ क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस की लाइनिंग होती है. वो लाइनिंग इसलिए होती है जिससे कि कंसंट्रेटेड HCL जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो स्टमक की लाइनिंग को डिसॉल्व ना कर दे, स्टमक की मसल्स को डिसॉल्व ना कर दे. इसलिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टमक की वॉल पे होती है. ठीक है, और स्टमक में क्या सीक्रेट होता है? कंसंट्रेटेड HCL. और ये HCL क्या करता है? बैक्टीरिया और अदर तरह के जर्म्स को किल करता है, जो एनवायरनमेंट से फूड के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे मीडियम जो होता है बिल्कुल एसिडिक होता है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि इंटेस्टाइन है. ठीक है, इंटेस्टाइन क्या है? दो टाइप की है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, ये देखिए, ये आपका इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ये देखिए, ये वाला, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये स्मॉल क्वाड स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, सो रीड द हेडल स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग क्वाड नैरो ट्यूब अबाउट 6 to 7 मीटर इन लेंथ बिलो द स्टमक. ठीक है, देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो काफी क्वाइड है. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा क्वाइड स्ट्रक्चर होता है, जो कि लेंथ में कितना होता है? 6 to
7 मीटर होता है। मेनली डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और डाइजेस्ट होने के बाद जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ब्लड में ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें लाइनिंग में इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग विलाय बोलते हैं, ठीक है। और विलाय के थ्रू ही क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। तो इस तरह से डाइजेशन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम लोग विलाय बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है और क्या होता है, इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली डाइजेशन तो नहीं होता है, पर जो अनडाइजेस्टेड मीन्स कि अब डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, न्यूट्रिएंट जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब किए जा चुके हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल बचा है, अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, उसका कलेक्शन कहाँ हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में वो वेस्ट के फॉर्म में, वेट वेस्ट के फॉर्म में बच जाता है, जिसको हम लोग फीसेस या एक्सक्रीटा बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के एंडिंग को जिसको हम लोग की एनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनएस बोलते हैं। तो एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? एनएस, वो एक्सक्रीटा, वो वेस्ट जो है वो एनएस से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम लोग एक्सक्रीटा या फीसेस बोलते हैं। तो इस तरह से आपको डाइजेशन इन ह्यूमन समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट भी रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो वो आप क्वेश्चन करिए, आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई किया जाएगा। थैंक यू क्लास।